बनाएंगे ब्रोकली की सब्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। ये ब्रोकली है, इसकी आज हम सब्जी बनाएंगे। ये जो डंडियां हैं इसको काट के पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। डंडी को हम काट के हटा दे रहे हैं। ये पीसेज हैं, इसको हम बहुत मुलायम होती है ऐसे इसको एक एक पीसेज अलग अलग कर लेंगे। देखिए ये सब पीसेज में कट गए हैं हमारे। अब इसको हमको ऐसे बीच में से हल्का सा काट लेना है। पूरा इसको करना नहीं है, पूरा नहीं फाड़ना है, बस ऐसे ऐसे पीसेस को हमको बीच में से काट देना है इस टाइप से। देखिए हमने ब्रोकली को अच्छी तरह से धुल लिया है। अभी हमने गर्म पानी चढ़ा दिया था यहाँ गर्म पानी होने के लिए। इसको इसी में हम ब्रोकली को डाल देंगे। डालेंगे इसलिए कि ब्रोकली इससे सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, जिससे हमको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होगा। देखिए ब्रोकली को हमने गर्म पानी में डाल दिया था। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ढक दे रहे हैं और गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। अब इसको हटा देते हैं। अभी हम अपनी कढ़ाई चढ़ा रहे हैं। अब हम ये कढ़ाई चढ़ा दिया था, इस पर हम 2 बड़े चम्मच तेल डाल दे रहे हैं। एक तेल गरम हो जाए। ब्रोकली को हमको भून लेना है। ब्रोकली को हमने गर्म पानी में डाल दिया था, अब इसको हम केवल 2 मिनट के लिए भून लेना है। इसको हमें देखिए ब्रोकली मेरी भून रही है, अच्छी तरह भून जा रही है। ब्रोकली को कैंसर की मरीजों को भी देना चाहिए और आप चाहिए तो इसका सलाद भी बना के खा सकते हैं। इसमें विटामिन सी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। देखिए मेरी ब्रोकली अच्छी तरह भुज चुकी है, अब इसको हमको निकाल लेना है। ब्रोकली मेरी भुज गई है, अब उसमें हम ये आलू भी है, वो तेल बचा हुआ है उसमें ये आलू भी हम भुज लेंगे। बड़ा आलू है एक, छोटे छोटे पीसेस हमने किए हैं, और एक छोटा सा शिमला मिर्च भी है, उसको भी हम इसी के साथ भुज लेंगे। देखिए आलू शिमला मिर्च मेरा भुज गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम अपने कुछ खड़े मसाले भूज लेते हैं। तेज पत्ता है, जीरा है, ये लौंग और इलायची है, ये बड़ी इलायची 2 है, ये हरी इलायची, इन दोनों को हमने कूट लिया था पहले ही, ये जावित्री है, दालचीनी है, इस सबको हमको अच्छी तरह भूज लेना है। ये लौंग है, इसको हमको बस 1 मिनट के लिए हल्का सा भूज लेना है। और अब हमको इसमें प्याज ऐड कर लेना है। 2 प्याज हमने काट के रखे थे, मीडियम साइज के थे 2 प्याज, उसको हमको भूज लेना है। प्याज में रख भी रहा है, इसी में अब हम मटर को भी ऐड कर देंगे कि मटर जो है प्याज के पानी में जिससे गल जाए। देखिए मेरा प्याज हो चुका है लगभग, पर अभी थोड़ा सा और कच्चा है, इसमें थोड़ी देर और भूजना है। देखिए प्याज मेरा भूज गया है, अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दे रहे हैं। बड़ा 1 चम्मच हमने डाला है इसको, क्योंकि इसमें गार्लिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कम से कम 10 से 12 पीस इसकी कलियाँ थी, उसको हमने पीसा है, इसको हमको भूज लेना है। देखिए मेरा जिंजर गार्लिक भूज चुका है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं और 1/2 चम्मच हमारा ये मिर्च है, लाल मिर्च है, और ये धनिया का पाउडर है 1/2 चम्मच। अब इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये पिसा हुआ सूखा मसाला था तो इसको भूजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये भूज गया है। अब इसी में ये टमाटर की प्यूरी हम डाल दे रहे हैं। 2 टमाटर हमने मिक्सी में पीस लिया था, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से।
देखिए मेरा मसाला भुज गया है। अब इसके अंदर हमने ब्रोकली और आलू जो हमने भुज के रखे थे उसको हमको डाल देना है। अब इसके अंदर हमको नमक डाल देना है, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इसको हमको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब इसमें हम गरम मसाला और ऐड करेंगे। गरम मसाला इसलिए बाद में डाल देते हैं कि जिससे मसाले की खुशबू बनी रहती है, इसलिए हम इसको हमेशा बाद में ही डालते हैं गरम मसाले को। अच्छी तरह से हमको मिक्स कर देना है। अभी हम मिक्स कर दे रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम आधा कटोरी पानी ऐड कर देंगे जिससे ये सब अच्छी तरह से मिल जाए आपस में। देखिए मेरी सब्ज़ी अच्छी तरह तैयार हो चुकी है। फिर भी हम ब्रोकली को चेक कर लेते हैं कि ये पकी है कि नहीं। इसको हम दबा के देखते हैं, देखिए कितने अच्छी तरह से पक गया है इसके। अब मेरी सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है। मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देते हैं और इसको चला देते हैं आपस में मिक्स हो जाए जिससे।